आप सभी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सीटेट का सर एग्जाम को एक ही महीना से कम रह गया है, और इस लास्ट महीने में हम लोग कैसे जो है अपने जो पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उनमें आप लोगों के जो नंबर है उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। जैसे आप सभी लोग सीटेट के पुराने पेपर को एनालिसिस करके देखोगे कि सीटेट में जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज होते हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल रहता है। एक तो इसमें सबसे पहले पियाजे की थ्योरी को, इसको आप लोगों को पूरा आप लोगों को पढ़ लेना है। इसका उपयोग कैसे होता है क्लासरूम में, इसको पढ़ लेना है। लेव वाइगोत्स्की की दोस्तों यहाँ पर थ्योरीज हमें दोस्तों यहाँ पर पूरी आनी चाहिए। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत पूरे आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के भाषा विकास के जो सिद्धांत हैं वो आप लोगों को सीडीपी की पैडागोजी में तो इतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत कोई भी भाषा का अगर आप पेपर देते हो तो उसमें भाषा विकास से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। चोमास्की हो जाते हैं, स्किनर हो जाते हैं, लेव वाइगोत्स्की हो जाते हैं, पियाजे हो जाते हैं। ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग जैसे पेपर देना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कहीं मॉक टेस्ट दोस्तों अगर लगाना है तो वो सबसे उपयोगी जो होता है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो दोस्तों यहाँ पर एक तो सस्ते भी मिल जाते हैं आप लोगों को, और उनमें दोस्तों जो क्वालिटी होती है वो किसी किताब के मॉक टेस्ट से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे आप सभी लोगों को एक साथ कई सारे बच्चे देते हैं तो आपको आपकी रैंक भी पता लगती है, आपको आपका आंसर भी पता लग जाता है। तो मॉक टेस्ट जो है हमें अपनी तैयारी को चेक करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप दोस्तों अपने पेडागोजी में 90 नंबर में से 80 और दोस्तों यहाँ पर 85 तक ले जाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज का एक बार क्विक रिवीजन कर लो। सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कैसे क्लासरूम में उपयोग किया जाता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, उनके हर शब्द का मीनिंग आना चाहिए। मॉक टेस्ट काफ़ी उपयोगी रहते हैं, मॉक टेस्ट अपनी तैयारी को जांचने में मददगार होते हैं, पेपर हमें कैसे लगाना है ये मददगार होता है, और प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को ये बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों के जो सीटेट में स्कोर रहेगा वो 110 और 120 के पास में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, बच्चों ने की हुई है, तो यहाँ से दोस्तों निश्चित ही हमें स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद मिलता है। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर भी दोस्तों यहाँ पर अपनी तैयारी को और आगे ले जाना चाहते हैं तो हम लोगों ने भी एक आप लोगों की डिमांड पर एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जो छोटे टर्म के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर कोई एक ऐसा कोर्स हो जहाँ पे सारी थ्योरी का एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो हम लोगों ने पेपर वन की पूरी थ्योरी को जो है दोस्तों यहाँ पर 15 दिन में एक क्विकली तरीके से रिवाइज करने का प्लान बनाया हुआ है। इसमें आपको हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित 15 मॉक टेस्ट दिए हैं पेपर वन के, और 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं पेपर टू के। तो ये जस्ट जो चीजें हैं दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारी को अंतिम रूप देने में काफी उपयोगी होंगी। तो आप इन चीजों को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है हमारे अंतिम प्रयास बैच का, जो कि हमारी ऐप क्लास 24 ऐप पर अवेलेबल है। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो जैसे ही आप लोगों को वहां पर टीचिंग एग्जाम आ जाएगा, वहां पे हमारा जो अंतिम प्रयास बैच है सबसे ऊपर है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए काफी उपयोगी रहेगा, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। और जिन लोगों का अगले मंथ एग्जाम है अभी से तैयारी कर दो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।